नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताजा खबरें। छत्तीसगढ़ के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के संत समागम महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। यहां गुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब ने उद्योगों की स्थापना की अनुमति देने को लेकर मुख्यमंत्री के सामने चिंता प्रकट की। गुरुजी ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाले काले धुएं से दामाखेड़ा विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर दूर तक उद्योगों की स्थापना की अनुमति न दी जाए। कि बिल्कुल हमारे दामाखेड़ा, ये दामाखेड़ा है, इसके बिल्कुल दायरे में से सर्कल में बिल्कुल 5-6 किलोमीटर के सर्कल में लगभग 16-17 ऐसे उद्योगों को मंजूरी दी जा रही है, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कितने दिन दामाखेड़ा में रह पाएंगे? ये संत समागम समारोह जो आप देख रहे हैं, ये कितने बरस तक चल पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर तो कोई यहां बैठ भी नहीं पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतना धुआं और धूल धक्कड़ काला डस्ट कोयले का फैलता है, गिरता है, कि आदमी यहां ठीक बैठ भी नहीं पाता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भूपेश बघेल जी से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं समस्त कबीर पंथ की समाज की तरफ से, कि दामाखेड़ा से कम 10 किलोमीटर दायरे को छोड़कर ही किसी भी उद्योग को अनुमति दी जाए, इतनी मेरी प्रार्थना है। साहेब के आग्रह को मानते हुए मुख्यमंत्री ने भी मंच से घोषणा की कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्पंज आयरन की फैक्ट्री नहीं खोली जाएगी। साहब ने बात कही है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलना चाहिए। इस मंच के माध्यम से साहेब के आदेश का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलेगा। यातायात नियमों के उल्लंघन में दुर्ग भिलाई का नाम अब सबसे ऊपर आने लगा है। यातायात नियमों को ताक पर रख के स्टील सिटी के युवक युवतियां दुपहिया पर नित नए करतब करते पकड़े भी जा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी की पेट्रोल टंकी पर बिठाकर घूमता युवक पुलिस की पकड़ में आया था। फिर दो स्कूटी सवार युवतियों का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे पीछे घूमकर बैठी नजर आ रही हैं। जिले के SP अभिषेक पल्लव ने इस वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक वीडियो वायरल हुआ और दो स्टार पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गया, क्योंकि वीडियो में उस पुलिसकर्मी की करतूत रिकॉर्ड हो गई। वह एक चाय के ठेले में बैठकर शराब पीता कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ने उसे सस्पेंड कर दिया। उस यातायात उप निरीक्षक का नाम शैलेंद्र सिंह चौहान बताया जा रहा है। कोतवाली शहर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उप निरीक्षक यातायात श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जो है किसी दुकान पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जाँच क्षेत्राधिकारी कराई जा रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने रायपुर में कहा कि आने वाले समय में भारत अमेरिका और चाइना से भी ज्यादा शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नामी अर्थशास्त्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट और अधिवक्ता संघ के सदस्य शामिल हुए। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ये तस्वीर जशपुर की है। ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों से आ रही है, जहां आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।
जशपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष कविता यादव ने बताया कि उन्हें केंद्रीय बजट में भी छला गया, जिसे लेकर वे बजट की प्रति को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। सरकार हमारे प्रति कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं किया है और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो बैठ चुके हैं। कि सरकार हमारी मांगों के प्रति एक सकारात्मक कोई विचार व्यक्त नहीं करती है और अभी तक तो किया नहीं उन्होंने, तो हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ बैठे रहेंगे। और कल केंद्र सरकार की जो बजट थी उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए कुछ नहीं मिला, तो कल हम 6 तारीख को जो केंद्र की बजट की प्रोचीज है प्रति है उसको हम लोग सभी यहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग सहायिका जो भी हम लोग हैं सब यहाँ पे जलाएंगे, इसकी प्रति जलाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी को नवा रायपुर में प्रारंभ होगा। तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेता रायपुर पहुंचे, जिनमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पवन बंसल, तारिक अनवर और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। सभी ने नवा रायपुर जाकर अधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। रायगढ़ के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक का पद संभालते ही आईपीएस सदानंद थानों के औचक निरीक्षण पर निकल गए। कई थानों में सुविधाओं का अभाव मिलने पर पूर्ण करने का आश्वासन देने के साथ अव्यवस्थाओं पर भड़कते भी नजर आए। उन्होंने बताया कि थानों के कार्यों में कसावट व सुचारू कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होगी। अभी ज्वाइनिंग के बाद सभी पहले थाना क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और प्राथमिकताएं जो अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और जो पहले से पुराने मामले हैं पेंडिंग है उनकी निकाल और लोगों की जो भी समस्याएं उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।